बीते जमाने की ऐसी अदाकारा जो जितनी शोख थी उतनी ही बिंदास। ना तो से मतलब क्या रसीले नैना है, क्या भोली सुरतिया है, क्या नाम है तुम्हारा? फुलवा। जितनी चुलबुली थी उतनी ही गंभीर अदाकारी मानो उनके रग रग में समाई हुई थी। जब वो रुपहले पर्दे पर आती तो एक चमक से बिखेर जाती। काय का मान लेगी भाई, जो बात नहीं समझते उसमें टांग मत अड़ाया करो, संसार भर की विद्या तुम्हें नहीं पढ़े हो। बात निजी जिंदगी की हो या फिर करियर की, अव्वल आना उनकी फितरत थी। हिंदी फिल्मों की वो एक ऐसी ही एक्ट्रेस हैं, कामिनी कौशल, जिन्होंने अपने दौर में इंडस्ट्री पर राज किया। तो हाल में शाहरुख खान के साथ चेन्नई एक्सप्रेस में भी वो दिखाई दी। फिर तेरी कहानी याद आई के सफर में आज बात कामिनी कौशल की। तुमने उसका रोना तो देखा, लेकिन इस दुनिया में मेरा रोना देखने वाला भी कोई है? कामिनी कौशल का जन्म 16 जनवरी 1927 को आज के पाकिस्तान लाहौर में हुआ, जहां के चौबुर्जी इलाके में कामिनी का बचपन बीता। तब कामिनी उमा कश्यप के नाम से जानी जाती थी। लेडी मैकलेगन हाई स्कूल से कामिनी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर किन्नेयट कॉलेज में अंग्रेजी में बीए ऑनर्स किया। लाहौर की वो गलियां बरसों पहले छूट चुकी हैं, लेकिन यादों से नाता अब भी जुड़ा है। कामिनी के जहन में बचपन के वो दिन अब भी बावस्ता हैं। मेरा बचपन बहुत 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 सुंदर था, माहौल भी बहुत प्यारा था, और मेरे भाई बहन और मम्मी पापा भी बहुत ही अच्छे थे, और हमारा घर जहाँ पर हम रहते थे वो तो बिल्कुल जैसे क्या कहूँ, परिस्तान नहीं, परिस्तान भी नहीं, जस्ट लाइक हेवन, जस्ट सो ब्यूटीफुल। बचपन की उमा कश्यप को बड़े होने पर कामिनी कौशल बनाने में उनके घरेलू माहौल का बड़ा योगदान रहा। पिता जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे, उसूल पसंद थे, संस्कारों में यकीन रखते थे, लेकिन बच्चों को बंदिशों में नहीं रखा। बच्चों को अपने सपने पूरे करने की पूरी आजादी दी। शायद यही वजह थी कि कामिनी ने वो किया जो उन्हें पसंद था। जिंदगी में वो बनी जिसका सपना उन्होंने बचपन से ही देखा था। हमारे घर में माहौल ऐसा था कि बच्चों को ना कहने का शब्द इसकी मनाही थी, अनलेस ही डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोको और टोको, मगर अगर वो कुछ भी अपने मन से अपने सुझाव से करना चाहे तो उनको ना नहीं बोलना। दो भाई और तीन बहनों में सबसे छोटी कामिनी बचपन से ही नाटकों में हिस्सा लेती रहीं। बात चाहे स्कूल में स्टेज परफॉर्मेंस की हो या स्विमिंग, घुड़सवारी, साइकिलिंग या फिर बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलने की, कामिनी ने हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, हर शौक को पूरा किया। बेशक तब ये शायद कामिनी को भी नहीं पता था कि किस्मत उन्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रही है, एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनने के लिए उन्हें पारंगत कर रही है। रेडियो में बहुत करती थी, स्टेज में बहुत करती थी, स्विमिंग करती थी, पर मैंने कोई इस कारण इस आइडिया से शुरू नहीं किया था कि मैं इसको अपना प्रोफेशन बनाऊंगी, मगर इसलिए कि हमको फ्रीडम था करने का, हमें ना नहीं बोली जाती थी कभी भी, इसलिए नहीं किया था कि मैं अपने आप को ग्रूम करके मैं फिल्म स्टार बनूंगी या कुछ। कामिनी अपनी जिंदगी बड़ी जिंदा दिली से जीती आ रही थी, तभी उन्हें पहली बार अशोक कुमार से मिलने का मौका मिला। हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर अशोक कुमार उस वक्त लाहौर रिलीफ फंड इकट्ठा करने आए थे। तब किसे मालूम था कि ये बचपन की वो छोटी मुलाकात कामिनी को एक दिन अशोक कुमार के साथ काम करने का मौका देगी। तब कौन जानता था कि कामिनी का नाता एक दिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ेगा और वो एक्ट्रेस बन जाएंगी। और बहुत सी बातें भी मिलती जुलती हैं। मुन्नी तो एक पल भर भी उसके बिना नहीं रह सकती। अच्छा। और मेरी देखभाल भी यूं करती है जैसे सगी बहन हो। अशोक साहब को तो मैं पहले कहां मिली थी, लाहौर में। हमने एक भी आए थे विद लीला चिटनिस, दे ऑल केम टुगेदर टू कलेक्ट फंड्स फॉर द वॉर रिलीफ। तो हमने एक बहुत लंबा चौड़ा शो, एक बड़ा प्रेस्टिजियस थिएटर होता था, रीगल थिएटर वहाँ का, वहाँ पर हमने एक शो अरेंज किया था इनके लिए टू कलेक्ट फंड्स फॉर वॉर रिलीफ। तो मैं उनके बिल्कुल पीछे खड़ी हुई हूँ, थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनके बाल खींच रही थी कि ये कौन मुझे तंग कर रहा है
तो देख के पीछे से घूम के देखा तो मैं थी वहाँ पर, जस्ट हैविंग फन यू नो, बीइंग यंग किड्स यू नो, लिटिल किड्स. तो देन जस्ट अ फ्यू इयर्स लेटर ही इज माय हीरो. थिएटर से फिल्मों का सफर कामिनी ने कब और कैसे तय किया ये किसी दिलचस्प किस्से से कम नहीं. कामिनी ने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्में में काम करेंगी, क्योंकि वो एक ऐसे समाज से आती थी जहां लड़कियों का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था. जब आए चेतन साहब तो मैंने कहा कि नो आई डोंट वर्क इन फिल्म्स. अरे क्या बात, क्या है, इट्स नॉट नाइस टू वर्क इन फिल्म्स. मूड चलता, ये एक्सपेक्टेशन थी कि फिल्म लाइन के लोग जरा रिलैक्स होते हैं इन देयर नॉर्म्स इन देयर. फिल्मों के जिस सफर पर कामिनी ने कभी चलना गवारा नहीं किया, उस सफर पर फिर वो कैसे चल पड़ी, आखिर कैसे पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़कर वो फिल्मों में काम करने को राजी हो गई, इसकी भी एक अलग कहानी है. दरअसल डायरेक्टर चेतन आनंद कामिनी के बड़े भाई के करीबी दोस्त हुआ करते थे और उन दिनों अपनी पहली फिल्म नीचा नगर की तैयारियों में लगे थे. एक रोज उन्होंने रेडियो नाटक सुनकर कामिनी को अपनी फिल्म में लीड रोल ऑफर किया, लेकिन कामिनी ने साफ इनकार कर दिया. कामिनी और चेतन आनंद की दूसरी मुलाकात मुंबई में हुई, जहां कामिनी अपनी बड़ी बहन के ससुराल आई हुई थी. चेतन आनंद ने एक बार फिर से उन पर अपनी फिल्म में काम करने के लिए दबाव डाला और फिर अपने बड़े भाई के कहने पर कामिनी कौशल ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी और इसी के साथ शुरू हो गया कामिनी कौशल का फिल्मी सफर. फिल्म नीचा नगर में चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद भी एक अहम भूमिका कर रही थी, इसलिए चेतन आनंद ने उमा कश्यप का नाम बदलकर कामिनी कौशल कर दिया. आगे चलकर वो इसी फिल्मी नाम से मशहूर हुई. मैं तो तुम्हारी हूँ. हाँ हो तो, मगर कहाँ हो, जाओगी, देखें कब वो दिन आता है. अरे देखो तुम्हारे लिए चीज लाया. मैं फिल्म बना रहा हूँ, क्यों नहीं काम कर सकती, उसमें क्या तकलीफ है तुमको. तो कहता है मैं तुम्हारे भाई साहब से पूछूंगा जाके, तुमको अलाउ कर दें, बिकॉज बाई देन माई ही वॉज माई गार्डियन. तो ही टोल्ड हिम ही वॉन्ट्स टू मेक अ फिल्म एंड इट्स दिट्स, ही वॉन्ट्स मी टू वर्क. सो दिस इज गो एंड आस्क हर इफ शी वॉन्ट्स टू. शी सेज नो, शी इज टेलिंग मी टू गो एंड आस्क यू इफ यू अलाउ हर टू वर्क. व्हाई शुड आई नॉट अलाउ हर टू वर्क विद यू. इसे सो मैं पूछता हूँ, इसे तुम्हारे भाई साहब ने कहा है कि प्लीज़ ये काम कर सकती हो तुम. तो मैंने उनसे पूछा, आपने कहा कि फिल्म में मैं कर लूँ. इसे हाँ, क्या है, चेतन बना रहा है ना. आई सेड यस, चेतन इज मेकिंग दिस फिल्म. अपना बना अपना बना ४६ में बनी फिल्म नीचा नगर के संगीतकार पंडित रविशंकर थे. कांस फिल्म समारोह में शामिल होने और अवार्ड हासिल करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म थी. अपनी पहली ही फिल्म से खूब सुर्खियां बटोरने वाली कामिनी कौशल को अब और फिल्मों के ऑफर मिलने लगे. उनके पास कई बड़े निर्देशक निर्माताओं के फोन आने लगे, लेकिन सबको ठुकरा कर कामिनी कौशल वापस लाहौर चली गई. कामिनी फिल्मी दुनिया से बाहर आ चुकी थी, अपनी पुरानी दुनिया में लौट चुकी थी, लेकिन तकदीर को ये मंजूर नहीं था. एक कार एक्सीडेंट में कामिनी कौशल की बहन की अचानक मौत हो गई. अपनी भतीजियों की खातिर कामिनी कौशल ने अपने जीजा ब्रह्मस्वरूप सूद से शादी कर ली और मुंबई आ गई. आई मैरिड माई सिस्टर्स हस्बैंड इसलिए क्योंकि उनकी दो छोटी छोटी बच्चियाँ थीं. मैंने आगे स्टडीज के लिए आफ्टर डूइंग माई ऑनर्स आई शुड हैव गॉन एंड डन माई एमए. But I never joined college. These two little girls came to live with me, and they were like my babies. बच्चियों को मैंने संभाला, और मैं बिखर जाती हैं ये दोनों अगर मैं नहीं उनको संभालती तो. कामिनी कौशल एक ऐसी महिला थीं जो अपनी जिंदगी को संजीदा तरीके से जीना चाहती थीं. उन्हें फिल्मी चकाचौंध बिल्कुल भी नहीं भा रही थी. जिस परिवेश में कामिनी की परवरिश हुई वो उन्हें फिल्मों में काम करने से रोक रही थी. आई मैरिड एंड आई केम टू बॉम्बे. मगर मैं इसलिए नहीं आई थी कि मैं जाके फिल्मों में काम करूँगी. या बहुत लोग इधर उधर से फ़ोन पे बातें करते थे, प्लीज़ विल यू वर्क विद अस. शायद उनको काम पसंद आया होगा. और स्पेशली आफ्टर द अवार्ड आई नेवर एनकरेज
most people to come, because उनका I think जिस ढंग के लोग उन दिनों फिल्मों में शायद होते थे, they were not that educated and maybe you know कुछ अलग bringing up उनकी थी, तो मुझे इतना comfortable नहीं लगता था। कामिनी के पति बहुत supportive थे। लाहौर से मुंबई वापस आने के बाद कामिनी ने यह तय किया कि वो अपना पूरा समय अपने परिवार के साथ बिताएंगी, लेकिन इस बार पति के कहने पर उन्होंने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू कर दिया। He was very supportive, he was very helpful, always very helpful and he was such a senior officer in the Bombay Port Trust, he was a chief engineer there. तो मेरे को एक्चुअली कभी ना नहीं बोलते थे किसी भी चीज़ में, अगर कुछ अच्छा लगता करने को तो करो। कामिनी कौशल की इस दूसरी पारी की पहली फिल्म थी गजानन जागीरदार की जेल यात्रा। 1947 में आई जेल यात्रा में कामिनी कौशल के साथ राज कपूर और नरगिस थीं। फिल्म को काफी तारीफ मिली और एक बार फिर से कामिनी कौशल ने अपनी दमदार अदाकारी से सिने प्रेमियों का दिल जीत लिया। मैंने उनकी बहुत मुश्किल से शायद 5 या 6-7 हिंदी फिल्में मैंने देखी होंगी। मैंने वर्कड इन नीचा नगर, तो जब ये जेल यात्रा के लिए ऑफ़र आया मुझे जागीरदार साहब का, तो मुझे सडनली एक फिल्म याद आई जो मैंने देखी थी हिंदी में, एंड दैट वाज राम शास्त्री। तो देन आई फाउंड दिस, आई सेड ही इज़ मेड अ वेरी गुड फिल्म एंड दैट वाज राम शास्त्री हैड मेड। तो कहते हैं देन व्हाई डोंट यू वर्क, इट विल कीप यू अम्यूज्ड आल्सो इफ यू फील लाइक वर्किंग। आई सेड यू डोंट माइंड माय वर्किंग इन दैट एनवायरनमेंट, ही सेज नो नॉट एट ऑल, ऑफ कोर्स यू लुक आफ्टर योरसेल्फ। सो दैट्स व्हेन आई एक्सेप्टेड जेल यात्रा। अपनी शुरुआती करियर की महज 2 फिल्मों ने ही कामिनी कौशल को बुलंदियों पर ला दिया था। 1948 में उन्हें एक बार फिर पर्दे पर राज कपूर का साथ मिला। राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म आग में नरगिस के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर वो नजर आई। कामिनी कौशल के करियर में आग मील का पत्थर साबित हुई। राज कपूर की सेकंड फिल्म आग में मैंने काम किया ना, राज ने अपनी फिल्म बनाई ना उसके बाद आग, उसमें नरगिस थी, निगार थी और मैं, वी वर द 3 हीरोइंस। सो ही आस्क्ड मी विल यू वर्क इन माय फिल्म, आई सेड ऑफ कोर्स आई विल वर्क इन योर फिल्म, यू आर माय फ्रेंड। उनके साथ बड़ी दोस्ती थी, उसे ही इज रियली क्वाइट अ फन लविंग गाय। केवल खन्ना, मैं माफी चाहती हूँ। माफी? कैसी माफी? मेरी वजह से आपको जुर्माना हुआ। जुर्माना आपकी वजह से? मुझे से तो बातें करने पर आपको जुर्माना हुआ। कामिनी कौशल की फिल्मी गाड़ियां पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। राज कपूर जैसे एक्टर के साथ काम कर चुकी कामिनी के साथ काम करना हर अच्छे एक्टर की हसरत बन गई। 1947 में आई फिल्म दो भाई में कामिनी कौशल के नायक उल्हास थे, तो शहीद और नदिया के पार में दिलीप कुमार। तुम कौन? क्यों जी, विकार में ये गोली किस पे छोड़ रहे थे? विकार में नहीं छोड़ रहा था, बहुत दूर से एक हिरन का पीछा करता चला रहा हूँ, उसी पे गोली चलाई थी मगर गोली चूक गई और हिरन भी यहीं कहीं गायब हो गया। गोली चूक गई, बड़े शिकारी बने हो बाबू तो शेर का शिकार करो ना, दाल आटे का भाव पता चल जाइए, पालतू हिरना पर गोली दागे पर तोला लाज नहीं आते। अब तक कामिनी कौशल के लिए प्लेबैक सिंगिंग शमशाद बेगम, गीता दत्त, ललिता देउलकर और सुरेंद्र कौर ने किया था, लेकिन 1948 में ही आई फिल्म जिद्दी में लता मंगेशकर ने पहली बार कामिनी कौशल के लिए प्लेबैक सिंगिंग की। कामिनी कौशल की एक्टिंग का ही ये कमाल था कि उन्होंने उस दौर में वो कर दिखाया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। राज कपूर, दिलीप कुमार, राजकुमार, देव आनंद जैसे कलाकारों के बीच अगर कामिनी कौशल का नाम सिल्वर स्क्रीन पर हीरो से पहले लिखा जाता था तो ये उस एक्ट्रेस की काबिलियत को साबित करता था। फिल्म आग हो या फिर विराज बहू, गोदान या फिर जेल यात्रा, कामिनी कौशल का नाम पर्दे पर हीरो से पहले लिखा आया। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरा नाम पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है। हम इतने बिंदास पर्सन, यू नो, डिडंट मैटर रियली टू मी।
कि और मैंने खाली में नोटिस भी नहीं किया, आपने पॉइंट आउट किया तो मैंने सोचा कि अरे हाँ ये तो ठीक बात है, मेरा नाम पहले आया करता था, मगर आई डोंट नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, मस्ट बी एस मुखर्जी, ही माइट हैव थॉट मे बी आई एम अ बिगर ड्रॉ, बट आई वाजंट अ बिगर ड्रॉ, वी वर्कड वेल टुगेदर, दैट्स इट। एक तरफ कामिनी का करियर परवाज भर रहा था तो दूसरी ओर दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के अफेयर की इंडस्ट्री में हवा चल रही थी। जैसे जैसे दोनों के साथ फिल्में करने का सिलसिला बढ़ता गया, उनके अफेयर की दास्तां भी बढ़ती चली गई। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल ने 4 फिल्मों में एक साथ काम किया था। कुमार जी, फुलवा, आप यहाँ कैसे? चले जाइए, अभी मेरी बदनामी से पेट नहीं भरा। आज तो बोलो फुलवा, अगर कोई सुन लेगा तो बेमौत मारा जाऊंगा। पर आप यहाँ आए क्यों? मैं और कुछ नहीं। धीरे बोलो फुलवा, मैं यहाँ क्यों आया? शहीद बनाई, फिर शबना बनाई, फिर नदिया के बाद बनाई, फिर आरजू बनाई। I did 4 films with him. It was very pleasant working together. He was very nice. He's a very good artist, and we got along very well. एक spontaneity होती है, which comes through with some people. It comes through with some, does not come through. But we got along very well, and you know, response होता है. So you find that you know, comfort level. तो वी हैड अ लॉट ऑफ कम्फर्ट लेवल, हमें कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी इन डूइंग अंडरस्टैंडिंग हाउ वी शुड प्रेजेंट द सीन्स टुगेदर। बढ़ती उम्र के चलते कामिनी कौशल की याददाश्त कमजोर हुई है, लेकिन सायरा बानो से किसी पार्टी में हुई मुलाकात और 2 बार फोन पर दिलीप साहब के हालचाल जानने का वो वाक्या कामिनी को अब भी याद है। दिलीप साहब से अपनी आखिरी मुलाकात को याद कर वो थोड़ी भावुक हो जाती हैं। दिलीप इज नॉट वेल, पता नहीं क्या हो गया, एकदम गायब, एवरीथिंग इज गॉन, और पता नहीं क्यों सारा घसीट घसीट के उनको लाती है अपने शोज में। क्या उसकी तकलीफ है उसको, लीव दैट पुअर मैन अलोन, सो सैड। एक्ट्रेस के तौर पर एस्टैब्लिश होने के बाद कामिनी कौशल ने प्रोडक्शन और डायरेक्शन की ओर कदम बढ़ाया। फिल्म पूनम और 40 बाबा एक चोर का निर्माण कामिनी कौशल ने ही किया था। कामिनी की दोनों फिल्में बच्चों पर आधारित थी। I always wanted to do films with children. हमने पहली अपनी प्रोड्यूस की थी फिल्म पूनम, उसमें भी मेन कैरेक्टर था एक लड़की हु इज़ ब्लाइंड, छोटी सी बच्ची थी वो, ब्लाइंड थी, उसका हमने काम किया लिया उसमें। शी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फिल्म पूनम। फिर हमने बनाई 40 बाबा एक चोर, और उसमें तो धड़ाधड़ बच्चे ही बच्चे थे। सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, यू नो, एंड आई लाइक वर्किंग विद देम। उनके साथ काम करने में मज़ा भी आता है मुझे, और मैं उनको हैंडल भी कर सकती हूँ, एंड दे गेट अलॉन्ग वेल विद मी। तो हमने उसमें बच्चों के ऊपर बेस करके बनाई थी ये फिल्म। फिल्म इंडस्ट्री में कभी टॉप पर रही कामिनी कौशल की जिंदगी में एक दिन वो लम्हा भी आया जब उन्होंने फिल्मों से किनारा कर लिया। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के साथ मिलकर बच्चों के लिए कठपुतली और कहानियों के कार्यक्रम बनाने लगी। बच्चों के लिए बनाए गए उनके कार्यक्रम की सीरीज चांद सितारे को दूरदर्शन पर दिखाया गया और उनकी बाल कहानियां पराग मैगजीन में प्रकाशित हुई। When I started doing character roles, you know, then I said I must do something for children. So सब लोग सोचे कि मैं दुनिया से गायब हो गई। मैंने कहा मैं गायब नहीं हूँ, I've never worked harder. Because I made the puppets myself, I painted them, I dressed them up, I worked them myself with my own hands, and I shot them in my house. Dialogue मैंने देखे, आवाज़ें सारी मैंने दी हुई हैं, हर एक की आवाज़। मैंने जो जो बनाया है ना वो बच्चों के लिए बनाया है। So children are very important in my life. 90 साल की कामिनी आज भी उसी शालीनता और जिंदा दिली के साथ अपना जीवन जी रही हैं, अपने काम को उसी जज्बे के साथ कर रही हैं। हिंदी सिनेमा में सराहनीय काम के लिए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। 60th ब्रिटानिया फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की रिसिपिएंट हैं कामिनी कौशल जी। उम्र के पड़ाव पर जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं, वहीं कामिनी कौशल का परिवार एक मजबूत स्तंभ की तरह है। कामिनी कौशल आजकल अपना वक्त अपने तैयार किए हुए खूबसूरत बागीचे को सजाने में गुजारती हैं।
बढ़ती उम्र का तकाजा भले ही उनके ढलते शरीर और कम होते याददाश्त के रूप में दिखने लगा हो, लेकिन वो अपने अतीत को नहीं भूली हैं। किसी सुनहरे सपने की तरह वो खूबसूरत यादें कामिनी कौशल के जहन में अब भी चस्पा हैं।